हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एजे वो कैब, जहाँ पर आपको मिल रही है वो कैब ऑन डेली बेसिस, जिसके साथ आपको मिलता है नेचर ऑफ द वर्ड, प्रोनाउंसिएशन इन हिंदी, हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, तीन एग्जांपल्स और जिसका एक्सप्लेनेशंस भी आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वर्ड है बुलशिट, यानी बकवास। बकवास को इंग्लिश में कहते हैं बुलशिट, जिसकी इंग्लिश मीनिंग अगर हम देखें तो मीनिंग होती है स्टूपिड और अनट्रू टॉक और राइटिंग, है ना फ्रेंड्स। ये एक नाउन है, चलो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हमारी मीनिंग और भी क्लियर हो सके। She tried bullshit things. उसने बकवास चीज़ें ट्राई की with me, मेरे साथ, for buying her old computer, अपना ही ओल्ड कंप्यूटर खरीदने के लिए। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, She talks bullshit when she drinks. वो बकवास करती है जब वो पीती है। She should control herself. उसे खुद को कंट्रोल करना चाहिए। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, You have no right to talk bullshit about someone like this. तुम्हारे पास किसी के बारे में भी ऐसी बकवास करने का कोई अधिकार नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वर्ड था बकवास, यानी बुलशिट, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बुलशिट, हिंदी मीनिंग होती है बकवास। और इसके हमने एग्जांपल देखे ताकि आपकी मीनिंग और भी क्लियर हो सके और आप इसे हिंदी लैंग्वेज में यूज़ कर सकें, अपने कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकें। चलिए, मैं आपसे मिलता हूँ नए वीडियो में, नए वर्ड के साथ, नई पॉजिटिविटी के साथ, नए माइंडसेट के साथ। तब तक लिए अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।